हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर वीडियो। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ सॉफ्ट चारकोल पेंसिल एंड वाइट बारे में, जो मैंने कुछ परचेस किए हैं। ये है वाइट पेंसिल एंड सॉफ्ट चारकोल पेंसिल, जिसका मैं कुछ रिव्यू करने वाला हूँ। लेट्स सी। मैंने 200 रुपये में वाइट पेंसिल 3 पैकेट एंड 250 रुपये में ब्लैक चारकोल पेंसिल 250 रुपये में परचेज़ किया है। पर पैकेट 10 पेंसिल है। पहले इससे वापस पैक कर लेते हैं और फिर देखते हैं ब्लैक चारकोल पेंसिल को, और उसका रिव्यू देखेंगे और उसे शार्प करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं किस प्रकार हम उसे शार्प कर सकते हैं। तो लेट्स सी। तो गाइस, ये है हमारा ब्लैक चारकोल पेंसिल। गाइस, सॉफ्ट चारकोल पेंसिल बहुत ही वीक होते हैं, इसे ध्यानपूर्वक यूज़ करना पड़ता है। जैसे ये देखिए, ये टूटा हुआ सॉफ्ट चारकोल पेंसिल है और इसे शार्प करने वक्त बहुत ही ध्यानपूर्वक शार्प करना होता है। लाइक ग्रेफाइट पेंसिल, ग्रेफाइट पेंसिल जल्दी टूटते नहीं है, लेकिन सॉफ्ट चारकोल पेंसिल टूट जाते हैं। जिससे ये हमारा शार्पनर बहुत पुराना है और ये टूट चुका है, तो अब हम इसे कटर का यूज करके शार्प करेंगे। वैसे गाइस, मैं अभी तक चारकोल पेंसिल का यूज़ नहीं किया हूँ, अभी तक मैं इसे शार्प नहीं किया हूँ, तो देखिए शार्प हो पाता है या नहीं। तो कटर का यूज़ कर रहा हूँ, तो ये कटर से भी टूट जा रहा है, और मैं बार बार शार्पनर से और कटर दोनों का यूज़ करके शार्प करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट मैं हर बार असफल हो रहा हूँ। सो गाइस, पता नहीं शार्प होगा या नहीं। अब ये देखिए, मैं फिर भी देखता हूँ कि आखिर चारकोल पेंसिल कितना डार्क है एक ग्रेफाइट पेंसिल के तुलना में। तो अभी तक तो शार्प नहीं कर पाया हूँ। आप देख सकते हैं कि एक पेंसिल शार्प करते करते टूट चुका है और दूसरा शार्प करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो पेंसिल बार बार टूट जा रही है बट शार्प नहीं हो रहा है। सो ये देखिए गाइस, मेरा कटर टूट चुका है बट अभी तक पेंसिल शार्प नहीं हुआ है। अब मैं दूसरा कटर इसमें लगाऊँगा, फिर शार्प करने की कोशिश करूँगा। तो मैं शार्प को इस कटर को ही मैं लगा लेता हूँ। तो ये मैंने कटर लगा लिया है, अब फिर से शार्प करने की कोशिश करता हूँ। वैसे एक बात तो पता चल चुका है कि अगर इसे शार्प करना है तो नए शार्पनर का तो यूज करना ही होगा, वरना ये चारकोल पेंसिल कभी भी शार्प नहीं हो सकते हैं। सो ये देखिए गाइस, मेरा पेंसिल हो गया है छोटा। अब मैं दूसरा पेंसिल से ही इसका रिव्यू कर देता हूँ। तो मैंने ये दूसरा पेंसिल ले लिया है जो कि ऑलरेडी शार्प है, तो इसका और ग्रेफाइट पेंसिल का डार्कनेस देखेंगे कि किसका ज़्यादा है। वैसे तो सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का जो डार्कनेस है वो तो अधिक होंगे ही, बट इसमें तो थोड़ा डस्ट ज़्यादा होते हैं। तो लेट्स सी। अब मैं विद प्रेशर एंड विदाउट प्रेशर इससे मैं सेट कर लेता हूँ, और फिर ब्रश से इसे हम ब्लेंड करेंगे। सो इस प्रकार मैंने ब्लेंड कर लिया है। अब ग्रेफाइट पेंसिल से प्रेशर के साथ शेडिंग करेंगे और फिर इसे ब्रश या ब्लेंडिंग स्टम्प से ब्लेंड करेंगे और फिर देखेंगे दोनों का रिज़ल्ट। सो गाइस, इस प्रकार मैंने रिज़ल्ट देखा कि सबसे ज़्यादा रिज़ल्ट तो अच्छे चारकोल पेंसिल का ही है। आप देखेंगे कि ये वाइट अप्सरा ग्लास मार्किंग पेंसिल जो है, इस पर यूज़ करके देखेंगे कि किस पर सबसे अच्छा रिज़ल्ट आ सकते हैं, या फिर ये अप्सरा ग्लास मार्किंग पेंसिल जो है, इसका रिज़ल्ट कैसा होता है। सो हम देख पा रहे हैं कि काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड काफ़ी इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट देखने को मिल रहा है इन अप्सरा ग्लास मार्किंग पेंसिल से। सो ये वेरी यूज़फुल एंड बहुत इंटरेस्टिंग सा है। इसे हम कुछ स्केच के ऊपर अप्लाई करके देखते हैं कैसा रिज़ल्ट देखने को मिलता है। वैसे वाइट पेंसिल तो काफ़ी अच्छी है, लेकिन ब्लैक चारकोल पेंसिल अगर आप बिगनर्स हो तो उसका यूज़ ना करें तो बेहतर है, वरना आप इरिटेट हो जाएंगे। और सो गाइस, जैसा कि आपने देखा कि मेरा चारकोल पेंसिल टूट चुका था और मैं इस डस्ट का अब क्या करूँगा, तो मैं इस डस्ट को पहले जमा करूँगा, फिर मैं इसे चारकोल पाउडर बनाऊँगा। तो इन सारे चारकोल से इसका वुड निकाल लेंगे
और फिर इसे एक जूट जमा कर लेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने सारे चारकोल डस्ट को जमा कर लिया है और अब इसे चारकोल पाउडर बना के मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में इसका यूज़ करूँगा।